नरवाना में एक जवान लड़के की हत्या के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। परिजन और ग्रामीण लड़के का अंतिम संस्कार करने की बजाय उसकी डेड बॉडी लेकर रोड पर धरना प्रदर्शन करने उतर गए हैं। नरवाना के भगत सिंह चौक को जाम कर दिया गया है। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। मरने वाला युवक और उसका दोस्त दोनों शराब पीकर घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान पड़ोस में रह रही महिला ने डायल 112 पर कॉल कर दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्हें वहां से उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। मृतक के साथी ने बताया कि वहां पर उसके साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया, जिसके कारण युवक की जान चली गई। परिजनों ने बताया कि उन्हें पूरी रात पुलिस स्टेशन में थर्ड डिग्री किया गया। सुबह उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि जब वह घर आया उसके मुंह से थूकते समय खून निकलने लगा, जिसके बाद परिजन उसे नरवाना के निजी अस्पताल में ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी संदिग्ध हालातों को देखते हुए उसे जींद अस्पताल में रेफर कर दिया। युवक के सीने में ज्यादा और लगातार मुंह से खून निकल रहा था, जिसके चलते उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। परिजन लगातार पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। एक दिन में युवक को दो बार पुलिस हिरासत में लिया गया। दोनों बार उसे 6-6 घंटे हिरासत में रखा और थर्ड डिग्री टॉर्चर किया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले, ना ही युवक को किसी भी तरीके से टॉर्चर नहीं किया गया है। वहीं मृतक के साथी ने अपने निजी बयानों में बताया कि उसके सामने ही उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया है। वहीं एसएचओ साहब ने बयान दिए हैं, अगर परिजनों के पास किसी भी प्रकार से कोई सबूत, ऑडियो या वीडियो या कोई और तथ्य हो तो उसके आधार पर उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार युवक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है।